नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये होंडा एक्टिवा है और BS6 मॉडल है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या, वैसे कंपनी मिस्टेक तो नहीं है, बाकी कंपनी को इस विषय पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये BS6 मॉडलों में वायरिंग का काम मेन है। बिना वायरिंग के गाड़ी, थोड़ी सी भी वायरिंग कहीं मिस्टेक हो जाती है दी, तो उसकी स्टार्टिंग में समस्या या कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह की समस्या इस स्कूटर में आई है, होंडा एक्टिवा में। ये BS6 है और ये देखिए, ये कंपनी को इस पर ज़रूर कुछ करना चाहिए। ये स्कूटर है, स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसका पेट्रोल सप्लाई इसकी मिस्टेक कर रही थी। तो आप तो जानते ही हैं कि इन स्कूटर को अगर रिपेयर करना है और इस तरह की कोई समस्या आ जाती है तो कितनी तामझाम खोलनी पड़ती है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही मेहनत करके इसका बहुत तामझाम इसका खोल के रखा हुआ है, और खोलने के बाद हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर देखिए, इसका जो फ्यूल मोटर होती है, जो फ्यूल पंप होता है, उसकी चूहों ने यहाँ पर वायरिंग काट दी है। ये देखिए, चूहों ने पूरी वायरिंग कोतर दी है। तो कंपनी ने भी, ये देखिए, इन वायरों को इस तरह से खुले में रखा हुआ है, एक नॉर्मल सी स्लीप भी नहीं चढ़ाई है इस तरह से। ये जो इस तरह की एक स्लीप चढ़ी हुई होती है, एक पाइप चढ़ा हुआ होता है वायरिंग के ऊपर, तो शायद या तो चूहों ने कुतर दिया है उसको, या फिर कंपनी ने ही नहीं दिया है। तो ये देखिए, केबल, ये इतनी सी मिस्टेक के कारण गाड़ी को पूरा खोलना पड़ा है। गाड़ी नई है, अभी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, BS6 है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह की समस्या बहुत बड़ी समस्या है ये। तो चूहों से निपटने के लिए कंपनी को कुछ करना चाहिए, हालांकि कर तो नहीं सकती, बाकी कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करना चाहिए चूहों से निपटने के लिए। नहीं तो BS6 और कोई मोटरसाइकिल तो हो सकता है स्टार्ट हो भी जाए, लेकिन BS6 में ये समस्या बहुत बड़ी है और बहुत ही मुश्किल हो जाती है यदि इस तरह की समस्या उसमें आ जाती है। तो बस इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला था, और इसको हमने, इसकी वायरिंग जोड़ करके, इसको स्टार्ट करके देख लिया है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है और बाकायदा इसका सब कुछ काम कर रहा है। केवल इन्हीं वायरिंग के कारण ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो कंपनी को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।